पुलिस के पास जाएंगे, अब पुलिस को देना पड़ेगा FIR। FIR के बाद पुलिस लिखती है अपनी डायरी, केस डायरी के बाद आपके ऊपर फाइल किया जाता है चार्जशीट। अब जाइएगा आप कोर्ट में, कोर्ट कहेगा कि पुलिस के सामने दी गई गवाही मान्य नहीं। पुलिस के पास जाएंगे, अब पुलिस को देना पड़ेगा FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR चढ़ा बढ़ा के लोग लिखवा देता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? FIR लोग चढ़ा बढ़ा के लिखवा लेता है। FIR के बाद पुलिस लिखती है अपनी डायरी, केस डायरी, CD, केस डायरी। आप लिखते हैं क्या जी? FIR। FIR के 90 दिन के अंदर केस डायरी लिखा जाता है। कोर्ट पुलिस IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर IO को कहता है कि आपको 90 दिन टाइम है FIR की लिखी घटनाओं का जांच करके हमारे पास रिपोर्ट बना के भेजिए। चार्जशीट, ये केस डायरी लिखा जाता है। केस डायरी के बाद आपके ऊपर फाइल किया जाता है चार्जशीट। क्या फाइल किया जाता है? चार्जशीट। चार्जशीट में यह फिक्स कर दिया जाता है, IO लिख देता है कि यह सच में अपराधी है। चार्जशीट में जो जो धारा लगा दिया ना, मतलब पुलिस ने आपको अपने हिसाब से अपराधी मान लिया। अब जाइएगा आप कोर्ट में, कोर्ट कहेगा कि पुलिस के सामने दी गई गवाही मान्य नहीं। वहाँ सीधे कहेगा महाराज 20 गो सिपाही था, सब AK-47 लेके कह रहा था, जो किए हो हम डरे बोल दिया, हम ही किए हैं। समझ आ गया कि नहीं? तो जज के सामने कही हुई बात मान्य होती है। तो ये फौजदारी का मैटर अलग होता है और दीवानी का मामला अलग। कभी कभी पुलिस भी केस नहीं लिखती है, कभी कभी पुलिस FIR नहीं लिखती है। तो उसके लिए कहिए ठीक है सर, अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो बोलिए हम 0 FIR लिखा देते हैं, यानी दूसरे थाना में लिख के। तो कहेगा जाओ लिखवा लो, क्योंकि दूसरा थाना वाला तो अपने ताव में रहेगा, कहेगा हमारा रेंजे नहीं, हम क्या लिखे। कहे ठीक है तब हम कोर्ट से लिखवा लेते हैं। तो कोर्ट तो FIR लिख देगा, तो एक हाथ से लिखेगा ऐसे FIR लिखो, जज साहब कहेंगे कौन थाना अध्यक्ष था, बुलाओ तो पहले शाम को बुलाओ करा बड़ा बाबू को। अब बड़ा बाबू को हुआ छोटका बाबू की तरह झारेगा, उनको बोला के ऐसा झाड़ेगा, कहेगा बताए तुमको अभी। अरे DMSP को झाड़ देते हैं तुम चुप, यस सर। अरे आप, ये रियलिटी है, वहां पे बहुत बुरा हाल हो जाता है वहां पे। तो फिर इस इधर से क्या जाता है, FIR होता है। तो ये वाला मैटर FIR के लिए, ये वाला मैटर नॉर्मल दीवानी के लिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हम लोग ट्रायल कोर्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहां मुकदमे बड़ी लंबे खींचे जाते हैं, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, ट्रायल कोर्ट। इसका कई गो नाम है, लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, निचली अदालत। इसमें कितने तरह के मामले, कई बार ऐसा होता है कि कुछ मामले हाई कोर्ट में आ जाते हैं तो हाई कोर्ट स्पेशल रिकमेंडेशन पे उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भेज देता है कि इस पर अच्छे से ट्रायल करके हमको भेजो, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास केवल एक जिला का मामला है तो मामले कम रहेंगे और वहाँ छोटी सी छोटी चीजों पे बहस होगी। तो छोटे, जैसे आप हमारे पास आएंगे किसी समस्या को लेकर, कल एगो लड़की आके करिए सर हमको हॉस्टल नहीं मिल रहा, बताइए हमारे के लिए ये समस्या तो है ना। पटना में अगर कोई थार मरुस्थल में हॉस्टल चाहिए था तो एक अलग मैटर, पटना में हॉस्टल ही नहीं मिल रहा है उसको, कल ना आई थी वो पूछ रहे सुबह सुबह हुई, तो बताइए मेरे लायक मामला तो नहीं है। इसके लिए हम कहते हैं कि पहले तुम लोग मिल लो कहीं ऑपरेट, हम हमेशा आप लोग से कहते हैं पहले आप अपने में डिस्कस कर लीजिए, आधा मामला वहीं खत्म हो जाएगा, अब हमारे पास आके आप हॉस्टल खोजिएगा जी, हम कहाँ से बताएंगे आपको। समझ, एक बात तो अजीब लड़की आई थी, वो लग रही रोने कभी कि सर मुझे लड़की सब पे भरोसा नहीं है, मैं नहीं पूछूंगी उनसे। तो हम कहे लड़कों से पूछ लो, ये कोई बात है, लड़की पे भरोसा नहीं है, मैं हॉस्टल में नहीं। अब लड़की पे भरोसा नहीं है आपको, खुदे लड़की हो, लड़की पे भरोसा नहीं है, गर्ल्स हॉस्टल में रहोगी नहीं तो दूसरा कौन सी उपाय, ऑनलाइन घरे जाओ, नहीं तो लड़का सबसे पूछो कौन हॉस्टल है, इसका क्या लॉजिक है। अजी अच्छा रो रही है पूरा भयानक, चार को मिल के देख रहा है काहे रो रही है, अच्छा काहे रो देती है जी तुरंत धाम से रो देती है, अजय रोना धार लाए शक्तिमान है तुम यहाँ पे, अजीब टाइप का होता। अच्छा ये कोई लॉजिक था, आप गर्ल्स हैं तो भरोसा नहीं, सारा लड़का सारा लड़की एक जैसा थोड़ी होता है। हम लोग भी जब हॉस्टल में रहते थे ना तो हम लोग के साथ एक रूम पार्टनर रहता था, पूरा घसकल था, अखबार उसका हम लोग पढ़ लेते थे ना, तू देख के जाता था अखबार, हम ऐसे मोड़े थे ऐसे का है, जबकि हम लोग एकदम उसका अखबारवा उठाने से पहले नाप लेते थे हाइये एंगल पे रखा है, तो वो ससुरा धाम लेता था। कभी कभी हम लोग उसको पिनकाना रहता था ना तो दरवाजा खटखटाएगा ना तो खोलते नहीं थे लोग, जानबूझ के चौकिया पे भड़ भड़ कूदेंगे लोग ताकि उसको लगे कि अंदर ही कुछ कर रहा था, सब ऐसे पीट देंगे और 10 मिनट बाद खोलते थे लोग, खोलेंगे तो कहेगा क्या हो रहा था, मेरा सामान तुम लोग निकाला होगा,
अब वो पूरा सामान अपना ए टू जेड चेक करेगा। और हम लोग तो ऐसा लड़का अगर मिल गया तो उनका तो हालत खराब कर देते थे लोग। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी को दिक्कत